गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर बिहार से। से डरना हो जो पॉजिटिव से ना डरे। अमित शाह के घर में कौन सा धमाके ठुके, कौन सा धारा और नाना ठुके आई कैबिनेट मिनिस्टर के घर में, नीतीश कुमार के घर में कौन सा धमाके ठुक गई, एक डॉक्टर को मार दिया इसने, भारत में इतने डॉक्टर कहीं नहीं मरे। अब कोई हलफ भेज दिया गया कन्हैया गुप्ता के वेंटिलेटर नहीं मिलने के चलते मार दिया, बीजेपी का 14 साल से अध्यक्ष था, संजय जसवाल के कहने पर वेंटिलेटर नहीं मिला। जब हम उसके घर गए उसका बेटा पकड़ के रोने लगा, अंकल हम लोग अब जिंदा नहीं रह सकते, पॉजिटिव था। हम क्या बोलते उसके बेटे को कि मेरा शरीर छोड़ो पॉजिटिव हो जाएंगे, मेरा बेटा पकड़ता तो मैं क्या कहता। उसी बगल में बर्दवाल को मार दिया डॉक्टर ने सुई नहीं देकर, उसकी बीवी हाथ पकड़ के बोली कि मेरी बेटी का किडनी खत्म हो गया भैया, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी बच्ची को बचा ली, और जबकि उसकी पत्नी पॉजिटिव थी, कोई मोहल्ला का लोग नहीं मिला। और मैं 6 महीना से जगिए समाज को जगना होगा, अब ये शासन प्रशासन से अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं की जा सकती, ऐसे उन्मादियों को उसके परिवार का दोस्त नहीं हो सकता, उसके खिलाफ तक चाहिए, उसके परिवार को अपमानित मत कीजिए, लेकिन ऐसे उन्मादियों को परिवार और आप मिल करके लटका दीजिए, ऐसे लोगों को जो मेरे समाज की बेटियों का तोड़ ये हर घर की बेटी और बहन का सवाल, हर भाई के बहन का सवाल। और मैं डेली लाश देखता हूं बच्चियों का, इसीलिए आप बेफिक्र हैं, एसपीडी ट्रायल कराएंगे, क्योटी के दंगा के पीछे किसका हाथ है एसआईटी जांच कराएंगे, बैठेंगे नहीं। और जिस प्रशासन ने ना इंसाफी की है और ना देखी की है, जो भी हो जितना बड़ा हो उसको सस्पेंड होना पड़ेगा, और इस परिवार को इस गांव को न्याय मिलेगा। ये मैं आपको मैं धन्यवाद देता हूं इस पंचायत के बुजुर्गों को कि आपने सूझबूझ से काम लिया और आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे समाज में कोई दूसरा माहौल ना हो। ये इसके लिए मैं आप उस परिवार को मैं बहुत बधाई देता हूं और इस समाज के बुजुर्गों कि आपने इस गांव में सौहार्द बना करके रखने का प्रयास किया, इससे बड़ी बात उससे भी बड़ी बात की है। और मुझे गर्व है अपने बुजुर्गों पर, अपने पिता पर कि आप ऐसे ही जब तक जिंदा हैं इस समाज को बचा के रखिए। आप ही से मुझे उम्मीद है, आप ही मेरे नायक हैं और आप ही मेरे भगवान, भरोसा रखिएगा बेटे के तरह। आप इस पंचायत के साथ मैं खड़ा हूं, हर गरीबों की जिंदगी के साथ खड़ा हूं, दर्द आपको होगा। 30 मुझे पहुंचे, आप बेफिक्र हैं, न्याय जब तक नहीं होगी तब तक हम चल विदा लेना चाहूंगा और इस परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।